क्योंकि जिस साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेकर के आई है, इससे साफ पता होता है कि कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग को इस बात का सोच लेना चाहिए, क्रिमिनल लगेगा इसके ऊपर। इतना बड़ा आडंबर भाई से भाई को लड़ाने का किया, ये इस देश के लिए बहुत घातक है, जनता के लिए भी घातक है। लेकिन कल रात को 12 बजे जिस तरीके से सोशल मीडिया पे भूचाल मचा हुआ है, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो या और तमाम नेता हो, उन्होंने ये कहा कि आप मिनी सेक्रेटरीट जाएं, आप वहाँ पर जाकर के एक ज्ञापन दें, तो ये एक बहुत सूझबूझ का एक संदेश है कि आप रोडों पे ना आए। जिस तरीके से एक तरफ से आह्वान किया जा रहा है कि हम रोडों पे आएंगे, तो ये तो इसकी सराहना करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोड पे ना आकर के मिनी सेक्टर 8 पे आके डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को एक ज्ञापन के रूप में देना चाहिए। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि ये हड़बड़ी क्यों मची है, इसको समझना पड़ेगा, चाहे एक ग्रुप के लोग हों और चाहे बी वाले हों। ये बात बड़ी खतरनाक है क्योंकि जिस साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेकर के आई है, इससे साफ पता होता है कि कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग को इस बात का सोच लेना चाहिए, क्रिमिनल लगेगा इसके ऊपर। आज नहीं लगेगा, रोड़ा रब्दे होंगे, लोग रोडों पर रहेंगे, जैसे ही शांति पड़ेगी ये क्रिमिनल लेयर के रास्ते खोल दिए गए हैं आपके लिए। दूसरी कि आपको बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, वो जिस बात को 2016 के अंदर जाट वर्सेस गैर जाट का जो नारा दिया और पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया, तो यही षड्यंत्र बीजेपी का है। और इस षड्यंत्र के तहत और कोई जाति नहीं फंसने वाली थी, ये बिल्कुल भोले भाड़े लोग हैं, ज़्यादा आस्था पर रहते हैं, इसलिए बहुत से लोगों का मानना है कि भाई ये कहीं ना कहीं इस चक्कर में फंस जाएंगे। मैं जिंदा जागता उदाहरण बताता हूँ आपको, मिर्जपुर कांड हुआ था हरियाणा के अंदर, और हम एक आज़ाद नगर है हिसार के अंदर, वहाँ एक महापंचायत करने लग रहे थे, और महापंचायत के अंदर हमने एक साथी ने मंच से कहा कि भाई देखियो, यहाँ कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं जो हमारी बात सरकार को बताते हैं। लेकिन वही हुआ, जैसे ही मंच से यह ऐलान हुआ कि यहाँ पे हमारी कोई बात सरकार को बताने वाले हैं, कुछ लोगों ने पता चला कि सीआईडी के लोग थे। तो इस बात का सीधा संकेत है, अगर किसी को मोहरा बनाना है तो ये वो समाज है कि इसको आप ले लो, क्योंकि जाट नहीं आएगा, जाट नॉन जाट वाला खेल हो लिया। अब रहे हरियाणा में बीसी ए और बी की लड़ाई है, वो तो वो अपने अस्तित्व के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। तो ये सही तरीके, सही समय पर जो 3 राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर के ये एक विघ्न पैदा किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार ने तो कह दिया इस फैसले को हम लागू नहीं करेंगे। नहीं, सरकार ने नहीं, नहीं नहीं देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है ना, लेकिन उन्होंने भी क्या कहा है, इस बात को ये समझो ना भाई, राय तो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा है, अभी से पहले घमासान क्यों? और हरियाणा सरकार ने तो इसमें पहल भी कर दी है, ये तो अगर आचार संहिता ना लगती तो शायद आज तक इसको लागू कर देते। तो ये सारे का सारा क्रिमिनल लेयर लगा करके कुछ लोगों को वहीं पर रोकना है। हाँ ठीक है कि कुछ के साथ गलत हुआ है, तो ये तो परिवार का मसला है, आपस में बैठ के सुलझाएंगे। ये सरकार और जुडिशरी का कोई मामला हमने नहीं लग रहा कि ये इतना बड़ा आडंबर भाई से भाई को लड़ाने का किया, ये इस देश के लिए बहुत घातक है, जनता के लिए भी घातक है। कहना चाह रहे हो फूट डाल दी समाज में, दलित समाज जो एकजुट हो रहा है उसमें फूट डाल। बिल्कुल, ये तो दिख रहा था ना, आज दलित समाज का पूरे भारत के अंदर एकजुटता थी, और इससे एक संदेश जा रहा था कि जिस तरीके से हम अपनी राजनीतिक हिस्सा ले रहे थे, चाहे हम नौकरियों की बात थी, तो उसमें हम आगे बढ़ रहे। मैं तो कहता हूँ बहन जी भी गलत है, चंद्रशेखर भी गलत है, उसको क्यों नाम ले रहे हो अकेले का? हमारे नेता होते, एक मिनट सर, वो बहुजन के नाम पे बात करते हैं, वो वंचितों की बात करते हैं, अंबेडकरिज्म का मूल सिद्धांत है। और फुले साहब भी कहते थे कि मैं कभी भी अगर किसी शक्तिशाली और कमजोर के हित की बात होगी तो मैं कमजोर के साथ खड़ा हूँ, लेकिन वो मजबूत के साथ खड़े हैं, कमजोर के साथ। 2001 में मीरा कुमारी जगजीवन राम की लड़की, जगजीवन राम कौन है आपको पता ही होगा, वो जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने गांधी का पट्टा बनकर के चुनाव लड़ने का काम किया था, जिसने उसकी लड़की केवल चमार जाति को इकट्ठा करने के लिए इस देश के अंदर चरमकार पेशे से जुड़ी हुई 16 जातियों को इकट्ठा करके अपनी संख्या को एकदम से इस पूरे देश के अंदर पुशअप कर लिया। क्यों? बाबा साहेब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट बना करके गए थे, उसमें धुआं उठने लगा था क्या?
ये सपेरे की बात कौन करेगा, सांटी की बात कौन करेगा, बंजारे की बात कौन करेगा, सिकलीगर की बात कौन करेगा, वो जातियाँ जो आज भी आप ये सवाल श्रीमान जी दिल्ली में खड़े होकर के कर रहे हैं। आप मेरे साथ हरियाणा में चलिए, आपको ऐसे ऐसे गाँव में ऐसी ऐसी जातियाँ दिखाऊंगा, आपने कागज पे भी नहीं देखी होगी, आदमी से तो मिलने की बहुत दूर की बात है, उनके प्रतिनिधित्व की बात कौन करेगा दिल्ली में। सवाल ये है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया जी, क्या सरकार इसे लागू करेगी? बिल्कुल करेगी, हरियाणा में उसके लेके अंदर लेके गई है जी, केंद्र सरकार ने तो मना, अभी वो माननीय ब्रिगेड, एक मिनट सर, सरकार ने क्या कहा, कब का सर, हरियाणा प्रदेश के अंदर मामला कैबिनेट के अंदर जा चुका है, आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। अभी सुमित चौहान कह रहा था तो बंदरबाट है, बंदरबाट है, बिल्ली के पास कौन लेके गया उस केस को, कौन, आपका 2004 की नॉलेज है ना, सुप्रीम कोर्ट कौन लेके गया, वंचित जातियां लेके गई, अपने चमार महासभा लेके गई थी, गजय सिंह मवाल, अरे मान्यवर कैसे है कि आप जब हमें अलग कर रहे हो, एक नहीं है, आपने होमोजीनियस का सुना है, डॉक्टर अंबेडकर की एक काम कीजिए, एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए, पढ़ो आप, उसमें क्या हम होमोजीनियस हैं, डॉक्टर अंबेडकर बताएंगे उसमें क्या है, 2004 में क्यों इसे गैर संवैधानिक बता दो दिया, कौन लेके गया सुप्रीम कोर्ट में, 130 करोड़ रुपए एक रात में इकट्ठे करे गए थे, और उन लोगों के जो नाम बताए थे ना, गजय सिंह मवाल, चमार महासभा, स्पष्ट शब्द में बताते हैं भाई, आप लोग कहते हैं ना कि एक कौन है, नहीं नहीं नहीं, शोषित का और पीड़ित का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता, शोषक और शोषित एक क्लास के नहीं होते, शोषक हो गए चमार जो है, अरे बिल्कुल है, खुले मुझसे कह रहे हैं, एक बात बताइए, वो बंजारे की बात कौन करेगा, ये महन जी ने जो भारत बंद करने का जो समर्थन किया है, तो ये क्या है, डोमिनेट क्लास की लीडर है, शोषित क्लास की लीडर थोड़े है, ठीक है, आप कह रहे हैं फैसले के खिलाफ तो बहन जी चली गई जी जी, लेकिन हाथ उसके साथ ही तो होती है, ऐसी घटना, सुनिए सुनिए, सुनो सर, हरियाणा में एक प्रॉब्लम है और इस देश के अंदर भी एक प्रॉब्लम है, जब किसी बकरे को काटना हो ना, उससे पहले उसकी सेवा की जाती है, और हम इन लोगों के लिए बकरे के अलावा कुछ नहीं है, तो ऐसी छोटी छोटी जो सामाजिक घटनाएं हिस्से होती है ना, उनमें हमारे थोड़े रिप्रेजेंटेटिव करके, घटना छोटी नहीं थी, ठीक है, मिर्चपुर में कौन खड़ा था, बताओ चमार कितने खड़े थे, सभी लोग, अरे नाम बताओ ना, हम नाम बताओ, एक बात बताइए, जो लोग बोल रहे हैं क्या कहना, उनका जो गैर संवैधानिक, उनको ये कहना है, ये जो बहुसंख्यकवाद के नीचे जो वंचित जातियां हैं, हजारों जो वंचित जातियां हैं, जिनका प्रतिनिधित्व आप लोगों की जो गंदी मानसिकता के दबाव के नीचे दब के रह गया है, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में लाने का एक फॉर्मूला जारी हुआ है, उसको लागू होने दीजिए, और नहीं तो अपने हाथों अपनी लुटिया डुबाने का काम ना करें, ये संदेश है, बैकलॉग होना चाहिए, पहले वर्गीकरण होना चाहिए, भरना चाहिए, बैकलॉग के लिए हम बात करेंगे, जो 21 अप्रैल का आंदोलन निर्माण कर दिया, ये बैकलॉग के लिए, कोल्सियम के लिए क्यों नहीं किया बताओ, वो एक बात, बैकलॉग को आज बहन जी EWS के लिए समर्थन कर रही है, और वंचित लोगों के लिए, इस देश के अंदर है ना, नेशनल सफाई कर्मचारी एसोसिएशन का डाटा देखिए, 6741 लोग है ना सीवरेज के अंदर 10 साल में मर गए, तब तो बहन जी ने वो नहीं किया, आपने हाथरस की एक घटना देख ली, एक लड़की तो बोलती है, क्या बोला बहन जी, हाँ बोलती है, चमारों के पक्ष में बोलती है, मैं कब मना कर रहा हूँ, हाँ बोलती है, वो एक जाति के लीडर है, 1,10,000 नौकरी जो मिली थी 2009 में जी, सार्वजनिक की गई थी, मिनट नौकरियां कभी भी एक जाति के लिए नहीं निकलती है, आपका सवाल गलत है, नहीं नहीं आपका सवाल ही गलत है, नौकरियां एक जाति के लिए नहीं निकलती, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एक बड़ी साजिश है समाज को बांटने की, ये बड़े मजबूती से इकट्ठे हो रहे थे एक साथ, ऐसा है सर, 1962 में पंजाब के अंदर जब ये रिजर्वेशन में वर्गीकरण का जो मामला हुआ, अब एक हफ्ते पहले है ना जुडिशरी की लिस्ट वहाँ पे लगी, 31 बच्चे जज लगे वंचित जातियों के, हरियाणा में, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये वर्गीकरण का फायदा नहीं है, उत्तर प्रदेश में बताइए कितने जज लगे, एक मिनट सर, मान्यवर जो वर्गीकरण की जो बात है वो आप डाटा लीजिए ना, 1994 के अंदर कितने लोग लगे, तो ये जो आप कह रहे हैं वर्गीकरण है, तो ये जजों की जो वैकेंसी निकली है, इसमें आरक्षण लागू होगा, आरक्षण इसमें कैसे लागू होगा, सरकार करेगी, आपने कैसे कहा 31 बच्चे लग गए, तो कैसे लग गए बताइए, वो मान्यवर पंजाब, एक मिनट वो डाटा पंजाब का बता रहा हूँ मैं, पंजाब कॉलेजियम गलत है और वो सुप्रीम कोर्ट में है।